ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं 1 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, और ये जो सारे डेटा टाइप्स है जैसे शॉर्ट इंट है, लॉन्ग इंट या फ्लोट या डबल को असाइन कर रहा हूँ, और आउटपुट प्रेडिक्ट करने की हम कोशिश करेंगे, और हमें आंसर करना पड़ेगा कि आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है। तो पहला स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे एस एच यानी शॉर्ट इंट इज़ 1/3, क्योंकि 3.0 फ्लोटिंग पॉइंट है, ए 1 भी 1.0 हो जाएगा। रिजल्ट ऑफ डिवीजन आएगा 0.33, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल टाइप है सिर्फ शॉर्ट इंट, ये डेसिमल पॉइंट नहीं स्टोर कर सकता है। तब आंसर जो 0.33 होगा तो एसएच में सिर्फ 0 स्टोर हो जाएगा और 0.33 हम खो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ प्रिंट करोगे यहाँ रिजल्ट होगा 0। अभी अगला लाइन पे आपको थोड़ा ध्यान से देखना जरूरी है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो एसएच इज असाइंड आईटी विच इज इन टर्न असाइंड लॉन्ग विच इज इन टर्न असाइंड फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल विच इज इन टर्न असाइंड डबल टाइप ऑफ वेरिएबल। तो जब मैं 1 को 3.0 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 1.0/3.0 हो रहा है, तो इसका रिजल्ट आ रहा है 0.33। डबल में 0.33 हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं, डबल का वैल्यू फ्लोट में भी चला जाएगा क्योंकि 0.33 भी फ्लोट में हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब हम फ्लोट से लॉन्ग चले जा सकते हैं या चले जाते हैं तब हम 0.33 नहीं स्टोर कर सकते, हम सिर्फ 0 स्टोर करेंगे और 0.33 खोलेंगे। तो लॉन्ग होगा 0, इंटीजर होगा 0 और शॉर्ट होगा 0। तो अगर आप इन सारे वैल्यूज़ को प्रिंट करोगे तो ये सारा वैल्यूज़ प्रिंट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसके लिए हम इस आउटपुट को रन करेंगे या इस पीस ऑफ कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद हम वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारे आउटपुट सही आ रहा है या नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखोगे सबसे पहला शॉर्ट आ गया 0, जो 1/3 था 0 परफेक्ट है। अगला शॉर्ट भी 0 आ गया, इंट भी आ गया 0, लॉन्ग आ गया 0, सिर्फ फ्लोट रहा 0.33 और डबल रहा 0.333, क्योंकि मैं डबल को प्रिंट कर रहा हूँ 6.3, यानी डेसिमल के प्लेस के बाद 3 डिजिट्स तक एक्यूरेसी मुझे चाहिए। तो इस कोड से आपको काफ़ी क्लियर होगा कि अगर आप एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को लॉन्ग इंट या शॉर्ट इंट को असाइन करोगे तब वो डेसिमल वैल्यू यानी पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो चला जाएगा और सिर्फ फुल नंबर ही स्टोर होगा। तो आपको इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जब आप डिविजन करोगे, जब डिफरेंट डेटा टाइप्स इन्वॉल्वमेंट हो।